नमस्कार दोस्तों, निश्चल दर्शक में आपका स्वागत है। मैं शंभू कुमार सिंह। आज पहले दौर की वोटिंग हो रही है और खासकर पश्चिम बंगाल में, बिहार में 4 सीटों पर और उत्तर प्रदेश में 8 सीटों पर वोटिंग हो रही है। लेकिन ईवीएम को लेकर जो है वो बवाल मचा हुआ है। 175 से ज़्यादा ईवीएम खराब आंध्र प्रदेश में मिले हैं, जहाँ आज सभी लोकसभा और विधानसभा सीटों के लिए चुनाव हो रहा है। वहीं वहाँ जनसेना पार्टी के एक विधायक कैंडिडेट ने ईवीएम को तोड़ा है। उसके बाद कुछ खबरें और हैं जो बहुत जरूरी है कि किस तरह से इलेक्ट्रल बॉन्ड्स पर मोदी जो हैं उनको एससी सरकार ने डांट लगाई है। विदेश से वो पैसा लेते थे चंदा, और कहा कि ये ब्लैक मनी को व्हाइट करने का तरीका है। उसके बाद विकीलीक्स के संस्थापक जो हैं जूलियन असांजे को ब्रिटिश पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। वो जूलियन असांजे अब गिरफ्तार हो गए हैं फाइनली। लगातार उनकी गिरफ्तारी को लेकर कयास लगाए जा रहे थे, और विकीलीक्स के जो संस्थापक हैं जूलियन असांजे उनको गिरफ्तार 11 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया। समाचार एजेंसी एफपी के मुताबिक उन्होंने ब्रिटिश पुलिस ने पकड़ा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उन्हें इक्वाडोर के दूतावास में पकड़ा गया, जहाँ 2012 में उन्हें शरण मिली थी। इससे पहले स्वीडन में उन पर शारीरिक शोषण करने का आरोप लगे थे, जिसके बाद ब्रिटेन में जमानत पर बाहर चले थे। असांजे ने तब दावा किया था कि अगर उन्हें स्वीडन प्रत्यर्पित किया गया तो अमेरिका उन्हें गिरफ्तार कर लेगा। तो जूलियन असांजे को गिरफ्तार कर लिया गया है। अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा बयान दिया कि मोदी जी की मदद के लिए पाकिस्तान ने मारे 40 जवान, और जिस तरह से इमरान खान से उनकी दोस्ती नजदीक बात सामने आई है, जिस तरह से ISI ने उनके लिए कहा है, उसके बाद अरविंद केजरीवाल जो है वो हमलावर हैं। मोदी पीएम से पीएमओ के 8 अधिकारी जो हैं वो नाखुश हैं, और 8 ने मांगा है ट्रांसफर और BRS। और मॉब लिंचिंग के जो शिकार हुए थे अखलाक के घर वाले, उनका वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है। वो गौतम बुद्ध नगर के वोटर हैं, दादरी के। कैराना में दलित परिवारों को वोट नहीं डालने दिया गया है, ये बड़ी खबर है। और ईवीएम में नहीं दब रहा कांग्रेस का बटन, अब्दुल्ला की शिकायत पर इसी का जवाब। और ये तमाम जो खबरें हैं वो मैं आपको बता रहा था। और मेरठ में खबर आई है कि आप बटन किसी का दबाइए, वोट जो है वो कमल छाप को ही जा रहा है। भाभी जी घर पर है को ये चुनाव आयोग ने नोटिस भेज दिया है। फिल्म रिलीज पर रोक लगा दिया है, नमो टीवी पर रोक लगा दी गई है। तो सब छोटी मोटी चीज़ें दिखावा के लिए किया जा रहा है। तो इस तरह से लगातार मैं आपको खबरें दिखा रहा हूँ। और EBM को लेकर सबसे ज़्यादा खबरें आ रही हैं, दलित समाज के लोगों का वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, ये बड़ी खबर है। और वोट डालने पहुंचे प्रत्याशी ने गुस्से में तोड़ डाली EVM, ये जो मैं आपको बता रहा था। और नोएडा में पोलिंग बूथ पर नमो फूड्स बांटे जा रहे थे। तो ये सब तो इनका चलता रहेगा, इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। और ये सब एक नवर्स नर्सर पेट में TDP और YSRC भी करता हुई जरब, पुलिस ने भाजी लाठियां। तो ये लगातार जो खबरें हैं वो मैं बता रहा था कि किस तरह से लगातार EBM को लेकर जो है वो लोग सवाल उठा रहे हैं। तो EBM जो है वो गले की फांस बन गया है, खासकर यूपी में इस तरह की गड़बड़ी आ रही है। सबसे ज़्यादा गड़बड़ियाँ आ रही है यूपी में। तो यूपी की जो गड़बड़ी है, इसलिए 7 चरणों में जहाँ जहाँ मतदान हो रहा है वो एक खतरनाक है। ये मीडिया इस पर बहस नहीं करेगी। तो एक EVM तोड़ा गया है आंध्र प्रदेश में, मेरठ से खबर है। उसके बकायदा बाइट हैं किस तरह से हाथी छाप पर बटन दबाने के बाद वोट जो है वो जा रहा था कमल छाप पर। कैराना में दलितों को वोट नहीं डालने दिया गया है। और उसके बाद ये लगातार जो है वो मैं आपको दिखा रहा था कि किस तरह से EVM को लेकर लगातार जो है लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। सोशल मीडिया पर उसको लेकर लोग लगातार प्रतिक्रिया दे रहे हैं, और मैं चाहूँगा कि हम आपको सोशल मीडिया के बारे में बताएं कि किस तरह से जो लोग हैं वो गिरीश मालवीय ने एक अच्छा लेख लिखा है, चुनाव आयोग के अधिकारियों को अब चाहिए कि वह गले में मोदी नाम का पट्टा बांध ले। शाम को लगभग सभी न्यूज़ वेबसाइट पर खबर थी कि नमो टीवी का प्रसारण बंद कर दिया है। खुद चुनाव अधिकारियों ने सामने आकर कहा था कि मोदी की बायोपिक फिल्म पर दिया गया आदेश नमो टीवी पर भी लागू होगा। नमो टीवी के प्रसारण को चुनाव के दौरान अनुमति नहीं जा सकती, अधिकारियों ने उस आदेश का पैराग्राफ भी सुना देते कहा था। लेकिन कुछ घंटों बाद ही चुनाव अधिकारी अपने कहे से पूरी तरह पलट गए। मोदी भारत पर रोक लगाने वाले आदेश नमो टीवी को, माफ कीजिएगा, नमो टीवी को फिर से चालू कर दिया गया है। तो
तो चुनाव आयोग अब अपने ही बात से पलट गया है, पहले उसने कहा था। और ये देखिए, अच्छा कहाँ पे है आपका बूथ संख्या? 40 इसमें, 16 में। कौन सी है बूथ संख्या? 40। क्या मामला हुआ आज? देखिए, तो दलित हैं वो, चाहे रो रहे थे, उनका वोट नहीं है, तो वो काफी चिंतित हैं। और जिस तरह से उनको वोट नहीं डालने दिया गया है, तो ये काफी यूपी में इस तरह की गड़बड़िया ज्यादा आ रही है। ये देखिए जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम धारा जी। धारा सिंह। धारा सिंह जी, आप एजेंट भी हैं? शहर एजेंट हूँ। क्या हुआ, कौन से बूथ पे क्या गड़बड़ी आपको देखने को मिली? बूथ नंबर 2 बजे इस टाइम वहाँ से हम बटन दबाए। ये वीडियो है मेरठ का, जहाँ इस तरह की गड़बड़ी आई है। और ये देखिए, ये जो है लोग लगातार लिख रहे हैं, ये वोटिंग तोड़ा जा रहा है। ये देखिए, तो ये जनसेना पार्टी के कैंडिडेट ने वोट उसको तोड़ दिया है। तो ये कुछ बड़ी खबरें हैं जो हम आपको बता रहे हैं। और ये तस्वीरें लोग ने भेजा है, देखिए ये कि वोट दबाते किसी को हैं और जाता जो वोट है वो कमल छाप को। ये देखिए, पंजाब पर दब रहा है असम में, तो वोट जा रहा है कमल को। हाथी पर दब रहा है तो भी वोट जा रहा है कमल को। तो चलिए, जो सत्ता में है उनकी सेटिंग तो हो ही जाएगी। और बताइए, 84 में ईवीएम मशीन ही नहीं था, 84 में ईवीएम ही नहीं था, मोदी जी ईवीएम पर सवाल कर। तो देश भर से खबरें जो आ रही है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और आप सबको ज्योतिबा फुले जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। उनकी आज 182 जयंती है। देश पूरा उनको याद कर रहा है, सोशल मीडिया याद कर रहा है। मैं इसलिए कहता हूँ, बहुजन मीडिया ही सोशल मीडिया है। और भले टीवी अखबार ना दिखाए, ज्योतिबा फुले नहीं होते तो हम नहीं होते, बाबा साहब नहीं होते। ज्योतिबा फुले ने कहा था, मंदिर जाएंगे तो कर्मकांड पाएंगे, गरीबी पाएंगे, स्कूल जाएंगे तो तर्क करेंगे, ताकत पाएंगे। तो ये हम लोग की जिम्मेदारी है कि स्कूल जाएं। तो पहले फेज में ईवीएम ने लगभग अपना काम कर दिया है। हाथी के बटन तो ईवीएम को लेकर लगातार लोग जो है वो गड़बड़े आ रही है। तो आज पहले दौर में ईवीएम फिर से एक बार बड़ा मुद्दा है। और ईवीएम में वोटिंग ने लोगों को हिला दिया है। और ईवीएम गड़बड़ी की खबरें लगातार आ रही है। एक बार फिर हम लोग आपसे जुड़ेंगे और बताएंगे कितना परसेंट वोटिंग हुआ है। एक और बड़ी खबर है कि सवर्ण समाज जो है वो लगातार सवर्ण समाज ने गोलबंद होकर के वोट देना शुरू कर दिया है। तो आज मायावती जो है वो लगातार रैली कर रही हैं। उनकी रैलियां दक्षिण भारत में चल रही है अभी। और 13, 14, 15, 16 को फिर से उनका यूपी में रैली होगी। तो चलिए, ये कुछ बड़ी खबरों की जो आपको बता रहा था। और लगातार ईवीएम को लेकर जो है वो सवाल उठ रहे हैं। तो ईवीएम एक बड़ा मुद्दा है जो लगातार चलता रहेगा। और आपको देश भर से ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाएंगे। पहले दौर में 91 सीटों पर 20 राज्यों में मतदान हो रहा है। यूपी में 8 सीटों पर, बिहार में 4 सीटों पर मतदान हो रहा है, पश्चिम बंगाल में कुछ सीटों पर मतदान हो रहा है। तो पहले दौर के मतदान में ईवीएम को लेकर लगातार जो लोग हैं वो सवाल उठा रहे हैं। तो शनु कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें, ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।